Oh. Uh... तेईस भारत में सतगुरुवार है टुडे इज एप्रिल अप्रैल 2023 एंड इट्स थर्सडे इन भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टूडे मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ आज के साकार मुरली में फिर से जोड़िया आई है नए नए शब्द आए हैं और बहुत रमणीक बात भी बाबा ने कही है जोड़िया जो आई है वो भी बहुत सुंदर है बाबा की ये जादू है कि शब्दों के साथ खेलना जब बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा मोड़ में होती है तो शब्दों के साथ खेलना बहुत इजी आ जाता है और ये शब्द हमें बहुत गहरा अर्थ बहुत सहज तरीके से समझाने में अनुभूति कराते हैं तो आज की मुरली में जो जोड़ी आई है पहले तो शब्द है लेन देन लेन देन की जोड़ी है उसके बाद है कर्म भोग और कर्म योग की जोड़ी है कर्म भोग और कर्म योग उसके बाद जो, जो जोड़ी है करणहार और करावनहार आज ये शब्द कई बार मुरली में आया है करणहार और करावनहार फिर जो, जो जोड़ी आई है वो है प्रत्यक्ष और परोक्ष और अपरोक्ष संस्कृत शब्द है परोक्ष और अपरोक्ष ये भी जोड़ी है फिर बाबा ने वरदान में बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शब्द है साधना और आराधना साधना और आराधना इसी के साथ बाबा ने और एक जोड़ी आज यूज की है वो है याद और फरियाद ऐसे ही मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक इसकी भी जोड़ी है कब्रिस्तान और परिस्तान तो ये सब जोड़ियां आज के मुरली में आई हुई है आज के मुरली का अगर टेक होम हम ध्यान में रखे तो जो मुझे अच्छी पॉइंट लगी जिसके ऊपर बाबा ने पूरी अव्यक्त तो मुरली चलाई है विशेष डायमंड जुबली वर्ष की मुरली है बाबा ने 96 में डायमंड जुबली वर्ष में ऐसी मुरलियाँ चलाई थी जो भी पुराने भाई बहने हैं जिन्होंने डायरेक्ट सुना है वो जानते हैं कि बाबा 96 में सभी बच्चों को कई सारे लक्ष्य दिए थे कि कैसे बेदाग डायमंड बनना है तो उसमें ये लैंडमार्क मुरली रही मुरली का टाइटल था करण करावन हार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव तो वही शब्द आज के मुरली में आया है देखो बाबा ने साकार मुरली में भी ये शब्द इस्तेमाल किया था हमने कई बार देखा है कि कई भाई बहनों को लगता है कि अव्यक्त मुरली में ही धारणा की पॉइंट होती है खास करके पढ़े लिखे लोगों को अव्यक्त मुरली बहुत गहरी लगती है और होती भी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साकार मुरली में गुहे बातें आती नहीं है जैसे आज की साकार मुरली में करण करावन हार शब्द आया हुआ है और इसी शब्द के ऊपर बाबा ने अव्यक्त मुरली पूर्ण चलाई है क्यों ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है बाबा ने इस शब्द को संपूर्ण अवस्था के साथ जोड़ा हुआ है संपूर्णता के साथ माना करण करावन हार की स्मृति रहेगी तो आप कर्मातीत फरिश्ता बन जाएंगे जो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कैसे तो बाबा ने आज बहुत सुंदर रमणीक बात कही है कि जैसे बाप सर्वशक्तिवान और करण करावन हार है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान करण करावन हार है सिर्फ फर्क क्या है तो बाबा सुख के लिए करण करावन हार है और माया दुख के लिए करण करावन हार है इसको कहते लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन माया भी करण करावन हार है क्यों क्योंकि माया ऐसे संकल्प मन में लाती है जिससे कि व्यक्ति को दुख मिलता है और बाबा ऐसी हिम्मत देता है श्रेष्ठ संकल्प देता है जिससे हम फरिश्ता अवस्था के पास जाते हैं तो हमको देखना चाहिए कि हम करण करावन हार ये शब्द किसके साथ यूज कर रहे हैं करण करावन हार में दो शब्द है एक हार और करावन हार करण हार माना करने वाला और करावन हार माना कराने वाला तो भक्ति मार्ग में ये बहुत डोमिनेंट बिलीफ है मान्यता है कि हम सब कटपुत लिया है और हमारी डोर डोर ऊपर वाले के हाथ में है तो ऊपर वाला जैसे हमको नचाता है वैसे हम नाचते हैं अभी वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है ये कहावत कहाँ से आई तो हम सब जानते हैं जितनी भी कहावतें हैं उन सब की जड़ हमको संगम युग पर मिलेगी क्योंकि संगम युग पर बाबा के बच्चों ने अपने मन बुद्धि की डोर एक परमात्मा को सौंप दी और उस परमात्मा को कहा तुम मुझे जैसे चलाओ जो खिलाओ जो पिलाओ मुझे मंजूर है दो गीत मुझे याद आ रहे हैं, बाबा जो मुरली के वक्त बजाता है इसी भाव से ये डोर शब्द आया इसलिए डोर के ऊपर गीत है जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। जीवन डोर हे शिव बाबा मैंने आपके साथ बांध लिया आज मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे कन्या की सगाई हो जाती है तो सगाई होती है तो वो पति के साथ चटक पड़ती है ऐसे ही वो तो पति विकार में ढकेल देगा पति बनाने वाला है एक भाई ने मुझे पति और पत्नी की व्याख्या दी दे। देखो लोगों के थॉट कैसे कैसे चलते हैं। ओरिजिनल शब्द क्या है और लोग अर्थ क्या निकालते हैं ये भी शब्दों की जब गहराई में जाते हैं तब लोग ऐसा सोचते हैं तो भाई ने कहा पति को पति क्यों कहते हैं और पत्नी को पत्नी क्यों कहते हैं तो उसने कहा पति वो होता है जो पत्नी को पतित करता है और पत्नी होती है जिसका पतन होता है वो पत्नी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी अर्थ हो सकता है पति पत्नी या जिसको उर्दू में मिया बीवी कहते हैं तो बाबा ने कहा कि वो पति तो दुख देने वाला है विकार में ढकेलने वाला है लेकिन ये पतियों का पति जो है हमको स्वर्ग का वर्षा देने वाला है है ना 21 जन्मों के लिए राजा ही देने वाला है आज बाबा ने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी बताया है वैसे पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर हमने उस दिन भी देखा मैंने एक बार सेशन लिया आपको कितने अनुभव सुनाए? मेजॉरिटी जगह पे पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बोलते हैं हमको तो मुंबई में एक हॉस्पिटल में सेशन लिया तो एक डॉक्टर को मैंने बताया मेरा पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर क्लास था तो उन्होंने कहा पॉजिटिव थिंकिंग से निगेटिव थिंकिंग बहुत अच्छा होता है तो मैंने कहा आप तो उल्टा बोल रहे हैं उसने कहा नहीं वो सर्जन थे मैंने कहा आप निगेटिव थिंकिंग सोचते हैं क्या सर्जरी के वक्त बोला बिल्कुल ठीक कहा आपने मैंने कहा कैसे फायदा होता है तो उसने कहा मैं सर्जरी के पहले सोच के जाता हूं कि एकदम सर्जरी फेल हो जाएगी तो बिल्कुल निगेटिव सोच के मैं ऑपरेशन थिएटर में घुसता हूं मैंने कहा फिर फिर क्या है वो अंदर से थॉट रहता है कि सर्जरी फेल होने वाली है उसी थॉट मुझे बहुत अटेंशन देता है कि जब फेल हो गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा इसलिए वो सर्जरी करता है और जब सर्जरी फेल हो जाती है तो बोलता है देखो पहले ही सोचा था फेल होने वाली है और अगर अच्छी हो गई तो खुश हो जाते हैं मैंने सोचा था फेल हो जाएगी लेकिन अच्छा हो गया तो मुझे बहुत हंसने को आया कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं ये मुझे उस दिन पता चला कैसे कैसे प्रकार के लोग होते हैं उसको पता ही नहीं कि वो भले सोच रहा है निगेटिव लेकिन वो निगेटिव के पीछे उसका भाव पॉजिटिव है कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी सर्जरी फेल हो या पेशेंट को तकलीफ हो कोई साइकोटिक होता है तो बात अलग है जिसको मानसिक बीमारी है लेकिन आपके साथ ये शेयर इसलिए कर रहा हूं कि लोग क्या क्या सोचते हैं तब मैंने भी सोचा कि ये व्यक्ति अकेला नहीं होगा और भी लोग होंगे ऐसे सोचने के लिए तो मैंने इंटरनेट पे गया और मैंने टाइप किया नेगेटिव थिंकिंग का पावर तो मुझे बुक मिला उस बुक का टाइटल ही था पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग तो ये सब जो किताब बेचने वाले होते हैं वो ऐसे टाइटल देखे लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचते हैं और अपनी बात को सिद्ध करते हैं आज बाबा ने कहा कि आपको अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है शास्त्रों में भी ये बात आई हुई है हमने देखा महाभारत में जो कुंती थी वो भगवान से दुख मांगती थी अभी कोई भी व्यक्ति भगवान से दुख नहीं मांगेगा लेकिन कुंती मांगती थी ऐसी बात आती है तो उसको पूछा कि तुम भगवान से दुख क्यों मांगते हो तब उसने जवाब दिया क्योंकि दुख में ही परमात्मा की याद अच्छी रहती है इसलिए मैं दुख मांगती हूँ नहीं तो मनुष्य भगवान को भूल जाता है ना जिसको उर्दू में शब्द है एहसान फरामोश कई बीके भी मुझे पूछते हैं कि बाबा से प्यार कैसे बढ़ सकता है अभी ये दिमाग से आया हुआ प्रश्न है कि बाबा से प्यार कैसे बढ़े तो मुझे भी वंडर लगा कि बीके भाई बहने मुझे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा से प्यार कैसा बढ़े इसका मतलब उस आत्मा को ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता का भाव पता ही नहीं है उसको सोचना नहीं आ रहा है कि जिस भगवान ने हमारे लिए इतना दूर से आता है और कहां आ रहा है वो पवित्रता का सागर पतित दुनिया और पतित शरीर में हमारे लिए इतने दूर से आता है और कितने प्यार से जबकि उसके उसके बच्चे पतित बन चुके हैं लेकिन वो फिर भी 86 ईयर हो गए मैं हमेशा ये कहता हूँ बाबा का पहला शब्द है मीठे बच्चे कितने सारे बाबा के बच्चे कितनी सारी गलतियां करती है लेकिन बाबा के प्यार में कोई कमी नहीं है वो हमेशा कहता है मीठे बच्चे प्यारे बच्चे सिकिल दे बच्चे तो कितना प्यार से हमको क्या क्या नहीं दिया बाबा ने बाबा ने एक मुरली में तो यहां तक कहा कि बाबा ने अपने आप को खाली कर दिया बच्चों के लिए अपने सभी खजाने बच्चों के ऊपर लुटा दिए तो इतना प्यार करने वाला इतने ज्ञान गुण और शक्तियां जो बड़े बड़े साइंटिस्ट धर्म पेता उनको भी पता नहीं था वो ज्ञान बाबा के बच्चों के पास है कि आत्मा परमात्मा बिंदी है पांच हजार वर्ष का चक्र है परमधाम निवासी है ये सब ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है तो इतना गुहिया आज के मुरली में भी बाबा ने यह गुह शब्द इस्तेमाल किया है हमने लौकिक भगवत गीता में ये तीन शब्द देखे थे गुह गुहतर और गुह्यतम नवा अध्याय राज विद्या राज गुह योग तो आज बाबा ने और गुरा आज की भगवान नई दुनिया कैसे रचता है भले हमारे लिए वो साधारण लगता है क्योंकि हम रोज मुरली में सुनते हैं लेकिन दुनिया वालों को ये पता नहीं है कि क्रिएशन कैसे होता है नई दुनिया कैसे रची जाती है इसमें बाइबल में चैप्टर लिखा हुआ है जेनेसिस कुरान में भी है नई दुनिया कैसे बनाते हैं अल्लाह तो बाबा ने इसका राज सुनाया है आज एक नया शब्द आया है बहुत दिनों के बाद मैं इस शब्द को देख रहा हूं बहुत गुह शब्द है देखो हम सेवन डेज कोर्स में भी कहते हैं जनरली कि सतयुग का जो धर्म है उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं लेकिन आज बाबा ने नया शब्द इस्तेमाल किया है कि आदि सनातन देवी देवता नहीं है आदि सनातन बाबा ने कहा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म है क्योंकि भगवान सबसे पहले ब्राह्मणों को रचते हैं। तो सबसे पुराना धर्म ब्राह्मण हुआ ना कि देवी देवता ये आज बाबा ने गुहिया राज नंबर वन खोला है क्योंकि फर्स्ट मैन और न्यू मैन इन दोनों में फर्क है फर्स्ट मैन ब्रह्मा है न्यू मैन कृष्णा है तो फर्स्ट मैन माना सबसे पहले भगवान ने किसे क्रिएट किया तो बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि मैं सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन को रचता हूं तो ब्रह्मा की पहले रचना हुई है और ब्रह्मा से ब्राह्मण ये बहुत गुह्य बात है ये दुनिया वालों को पता नहीं है कि भगवान सृष्टि कैसे रचता है प्रजापिता पिता कहा होना चाहिए सूक्ष्म वतन में होना चाहिए या साकार दुनिया में इन बातों के ऊपर कंफ्यूजन है भक्ति मार्ग में लेकिन बाबा कितना सरल करके हमको बताता है कि भगवान को मात पिता कहते हैं तो मात पिता कैसे हुआ तो गॉडफादर है तो माता कैसे हुआ तो जिसके शरीर में प्रवेश करता है उसको वो माता बनाता है जैसे स्त्री को किया जाता है आज मुरली में कहा स्त्री को क्रिएट नहीं करते हैं क्रिएट करना निर्माण करना और एडॉप्ट करना इन दोनों में फर्क है कल मुझे किसी ने कहा प्रश्न पूछा कि राधा और कृष्ण अलग अलग देश के थे तो प्रश्न आया देखो शब्द को पकड़ते हैं तो अर्थ बदल जाता है जब बाबा एक तरफ कह रहा है कि सतयुग में एक भाषा एक राज्य एक धर्म होता है तो उस आत्मा का कहना था कि अलग अलग देश सतयुग में भी होते हैं क्या क्योंकि कहा गया एक वाक्य में ऐसा था कि राधा दूसरे देश की है और श्री कृष्ण दूसरे देश का है तो यहां पर देश माना इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका अमेरिका ऐसे नहीं लेना है देश देश माना एरिया को कहते हैं वहां ऐसे नहीं होगा अलग अलग देश होंगे नहीं वो लोकलिटी का नाम है अलग अलग राज्य तो जरूर होगा तो अलग अलग राज्य की जैसे सीता की कहानी दिखाते हैं कि वो अलग राज्य के राजा की पुत्री थी ऐसे ही द्रौपदी अलग राज्य के राजा की पुत्री थी ऐसे ही राधा भी अलग राज्य में राजकन्या क्योंकि ये प्रिंस और प्रिंसेस है तो राज्य अलग अलग होगा देश तो एक ही होगा तो राज्य अलग अलग होगा तो आपको देश शब्द से अगर प्रॉब्लम है तो देश को नहीं इस्तेमाल करो वहां पे तो यूनिटी होगी सभी आपस में प्यार में रहते होंगे क्योंकि जब बाबा ये कह रहा है अलग अलग राज्य का तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग झगड़ा करते हैं या उनका आपस में युद्ध होता है जगह के लिए लोक संख्या ही नौ लाख है आप सोचो कहा 800 करोड़ इस समय और कहाँ नौ लाख इतनी बड़ी पृथ्वी पर और एक ही समुद्र होगा कल की मुरली सागर एक है जिसके टुकड़े दिए है मैं समय के अभाव से इन पॉइंट को लेता नहीं हूँ लेकिन लोग प्रश्न पूछते हैं तो मुझे टच करना पड़ता है अभी सागर पूरा एक ही है वही इंडियन ओशियन है और वो फिर अरेबियन सी बनता है इधर बे ऑफ बंगाल बनता है उधर अटलांटिक या प्रशांत महासागर बनता है वो एक ही सागर है इन्होंने नाम अलग अलग दे दिए बाउंड्री कर दिए आकाश में भी बाउंड्री कर दिया जबकि कुछ है नहीं बाउंड्री तो बाबा यही कहता है अखंड अखंड अटल तो हम ऐसे दुनिया में जा रहे बाबा हमको लेके जा रहा है तो ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से हमको निकालना है कि बाबा ने कहा आदि सनातन ब्राह्मण धर्म है संगम योगी ये सबसे पहला धर्म है और पॉजिटिव थिंकिंग की बात मेरे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं तो मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे बीमारी में हलचल में आ जाते हैं और कुछ लोग सचमुच में स्ट्रांग होते हैं जो बीमारी में स्टेबल रहते हैं जो चिंता वाले मरीज होते हैं ना तुरंत डर जाते हैं मेरे पास ऐसे भी आते हैं छाती में थोड़ा कुछ हुआ तो उनको लगता है हार्ट अटैक आ गया डरना नहीं है क्योंकि हिंदी में कहते हैं डर गया माना मर गया डर के आगे जीत है बाबा ने आज डर को निकाल दिया है और इस सब का आधार है आप अपने साथ क्या बातें करते हैं बाबा ने उदाहरण दिया अगर कर्म भोग आता है कर्म भोग माना बीमारी आती है तो बाबा ने टेक्निक बताया है विचार करो यह तो पुरानी जुत्ती है क्यों पुरानी जुत्ती है क्योंकि हमने चौरासी जन्म लिए हैं तत्व तमो प्रधान है तो पुरानी जुत्ती है हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है केवल इसी जन्म का नहीं है अनेक जन्मों का दुख समाप्त होने वाला है एक भक्त को देवता ने साक्षात्कार कराया तो भक्त ने पूछा कि मेरा कर्म भोग मेरी बीमारी मेरी तकलीफ कब समाप्त होगी तो ऐसे बताते हैं कि उसने कहा कि ये जो बाजू में पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उतने साल खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारे कर्म भोग दुख समाप्त हो जाएंगे वो भक्त नाचने लगा खुश हो गया कि मैं इन दुखों से मुक्त हो जाऊंगा तो जब हमको खुशखबरी मिलती है कि हम दुखों से मुक्त होते हैं ऐसा कोई हमको बताता है जन्म जन्मांतर के लिए तो आफत हट जाती है बीमारी छूटती है तो खुशी होती है कितने लोगों को मैंने देखा हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं उनको तो कोविड हो जाता है डेंगू हो जाता है मलेरिया हो जाता है और जब वो बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो कितना खुश रहते हैं डिस्चार्ज के वक्त उनके चेहरे पर हम खुशी देखते हैं किसी का ट्यूमर ठीक हो गया किसी का ऑपरेशन हो गया वो बीमारी से फ्री हो जाते हैं तो खुशी से जाते हैं तो बाबा ने कहा आफत हट रही है तो बहुत खुश होना चाहिए और इसका आधार है विचार सागर मंथन आप बीमारी में क्या विचार करते हो उसके ऊपर पूरा खेल है केवल बीमारी के ऊपर ही नहीं हर परिस्थिति में आप क्या विचार करते हो तो देखा कि कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है कि हर परिस्थिति में निगेटिव सोचते हैं छोटी सी बात को बड़ा करते हैं मैग्निफाई करते हैं और अपने आप को दुखी करते हैं एक तो मेरे पास ऐसी आत्मा है जिसके जीवन में बहुत समस्या है बीमारी है संबंधों में तनाव है तो वो गिल्ट में भी गए हैं, मना आत्मग्लानी में है अपराध की भावना है क्यों क्योंकि वो बार बार सोचता है कि मैंने जरूर बहुत पाप किया होगा मैं तो पापी हूँ मैं बाबा के घर में रहने के लायक नहीं हूं कितने बार उसको समझाया कि अपने आप को माफ करो हम सबसे जाने अनजाने में परसेंटेज में अलग अलग कर्म हुए हैं भगवान को भी ये पता है लेकिन बार बार उसके बारे में बोलकर रोके कुछ नहीं होने वाला है मैं हमेशा अपने लेक्चर में एक बात कहता हूं ओम पावर के बारे में ओम पावर ओम ये जो शब्द है उसका अंग्रेजी का स्पेलिंग है ए यू एम तो हर एक अक्षर का एक एक अर्थ है ए माना अवेयरनेस यू माना अंडरस्टैंडिंग और एम माना माइट तो अवेयरनेस माना जागृति का स्तर अंडरस्टैंडिंग माना समझ और माइट माना शक्ति तो जागृति का स्तर समझ और शक्ति ये हर एक की अलग अलग होती है तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं मुरली को समझते हैं मुरली के ऊपर मनन चिंतन करते उतना हमारी ओम पावर बढ़ने लगती है और जितनी ओम पावर बढ़ेगी उतनी हम खुद को स्वीकार करने लगेंगे ये जो प्रॉब्लम है इस आत्मा में ये खुद को स्वीकार न करने की प्रॉब्लम है कई लोगों का ये स्वभाव होता है कुछ भी हो जाए खुद को ही दोष देते रहते हैं और खुद को दुख देते रहते हैं अपने विचारों से अपने आप को दुख देते रहते हैं और इसके अपोजिट भी कई होते हैं चाहे उनसे कितने भी बड़ी गलती हो लेकिन खुद को दोषी मानते ही नहीं है ये भी गलत है मैं ही राइट हूँ ये भी गलत है और मैं ही रॉन्ग हूँ ये भी गलत है हमको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए और अटेंशन रखना चाहिए कि अगर मेरे से गलती हुई है स्वीकार करना अगली बार के लिए अटेंशन फिर से वो गलती नहीं हो इसका अटेंशन रखना है ना गिल्ट में जाना है ना अहंकार में आना है ना अपने आप को हीन भावना में लेके जाना है ना अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाना है ग्रंथि में भी लेके नहीं जाना है खुश रहना है और इसका आधार है हमारे विचार आज बाबा ने और एक बात बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम सबको अपने घर के बाहर बोर्ड लगाना चाहिए बाबा ने कहा जिसका जो धंधा होता है उसका वो बोर्ड लगाता है डॉक्टर डॉक्टरी का लगाता है एडवोकेट एडवोकेट लगाता है तो हम क्यों नहीं अपने घर के बाहर बोर्ड लगाए कि शिव बाबा परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो यहाँ आओ ऐसा बोर्ड लगाना चाहिए जिससे बाबा का परिचय मिले और लोग अंदर पूछ के आए कि गेटवे टू हेवन इसका मतलब क्या है आपने बाहर लिखा है ऐसे हुआ एक जगह पे एक भाई ऐसे ही ज्ञान में आया उसने बोर्ड पढ़ा स्वर्ग में जाने का रास्ता और लिखा था अंदर आया तो सेवन डेज कोर्स के सभी चित्र उसको समझाए उसको बहुत अच्छा लगा उसने कोर्स किया और अभी वो बाबा का पक्का बच्चा है तो ये जो बाबा कहता है ये हमको फॉलो करना है क्योंकि कौन सा शब्द कब किस आत्मा को क्लिक हो जाएगा हमको नहीं पता अगर हमको निरंतर योगी बनना है तो बाबा ने बहुत अच्छी बात आज कही है कि सदा बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध होना चाहिए जैसे योग में जब बैठते हैं तो शरीर को एकाग्र करके बैठते हैं, ऐसे दिल मन और बुद्धि एक बाप की तरह साथ साथ बैठ जाए यही है यथार्थ साधना जो भी मुझे पूछते हैं कि योग करना माना क्या मेडिटेशन माना क्या उसका जवाब आज मुरली में दिया है बाबा ने जैसे शरीर को एकाग्र करके बैठते हैं ऐसे दिल मन और बुद्धि सब एक बाप की साथ साथ बैठ जाए माना हमारा दिल दिमाग एक बाप के साथ बैठ जाए यही योग है यही यथार्थ साधना है अगर ऐसी साधना नहीं है तो फिर आराधना चलती रहती है कभी याद करेंगे कभी फरियाद करेंगे गुजराती का शब्द बहुत अच्छा है गुजरात के भाई बहने हैं फरियाद के बजाय वो कहते फरी फरी थी याद करो माना बार बार याद करो हर एक भाषा की अपनी सुंदरता है तो कभी याद करते कभी फरियाद करते तो फरियाद नहीं करना है फरी फरी थी माना बार बार याद करना है वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता ही नहीं है भगवान आज फरियाद करने की जरूरत ही नहीं है अगर दिल से बाप के साथ सच्चा संबंध है तो वो बाबा का बच्चा निरंतर योगी है अंडरलाइन करेंगे दिल से बाप के साथ संबंध है वो बाबा का बच्चा निरंतर योगी कहा जाता है और ऐसे बाबा का बच्चा जो अपने मन और बुद्धि की डोरी को पूरा बाबा को सौंप देते हैं। और ये हमेशा ध्यान में रखते हैं कि करण करावनार बाबा है बाबा मुझे चला रहा है भगवान मुझे चला रहा है उठा रहा है खिला रहा है पिला रहा है सुला रहा है तो इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे तो आज पूरा दिन भर ये बहुत पावरफुल अभ्यास करेंगे भगवान मुझे चला रहा है तो आप निश्चिंत तो हो जाएंगे क्योंकि जिम्मेवारी बाप की है अगर शरीर भी छूटा तो भी कोई परवाह नहीं क्योंकि पूरा जीवन बाबा को दे दिया है बीमारी आती है और कोई भी पेपर आता है मैं निश्चिंत तो हूं क्योंकि मैंने अपना जीवन बाप को दे दिया है मैं धन्य हो गया भगवान चाहता था तो और किसी को यूज कर सकता था बाबा ने मुझे चुना है ये मेरा अहो सौभाग्य जन्म जन्मांतर की आश पूर्ण हो चुकी है अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जैसे भगवान कहेगा मैं उसकी श्रीमत पर चलूंगी अच्छा ओम शांति